अरे बाप रे बाप, ये देखो करे गिर रहे, बर्फ गिर रहे, बर्फ, बाप रे बाप, अरे गिर रहे बर्फ। गुड मॉर्निंग, अभी तो बाहर निकला हूँ, ये अपने एस्प्रेसो में आगे वाले में शायद पंचर है तो वो रिपेयर कराने के लिए, रुको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला जो टायर है ना, प्रेशर कम है इसका, गाड़ी कैसी ख़राब हो गई है। और इस तरफ भी टायर प्रेशर हम सब में कम ही है ना, तो ये चीज़ करानी है। और इसका देखो ये 3, 4, 5, 6, 7 खुल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है भाई, खुल जा, ये दिक्कत आने लगी है। अभी मैं चाबी में सेल चेंज करवाया, अभी आई थिंक 15-20 दिन, हाँ 20 दिन जितना हुआ है सेल चेंज कराया, फिर भी नहीं हुआ है। बाकी गाड़ी इतनी गंदी इसके लिए कि कल बर्फ़ गिरी थी, बर्फ़ कल अहमदाबाद में बर्फ़ गिरी थी, मैंने कल रिकॉर्ड किया है ऑफिस से, तो बारिश और बर्फ़ गिर रही थी ना, मैं यहाँ पे उसकी क्लिप डाल दूंगा, देखो। अरे बाप, ये देखो करे गिर रहे, बर्फ गिर रहे, बर्फ, बाप रे बाप, अरे गिर रहे बर्फ, ये क्या है भाई, बारिश, मैंने बोला था बारिश गिराना, बर्फ़ की बारिश गिराना है, तो बर्फ ऊपर वाला तो बर्फ़ फेंक के मार रहा है, बाप रे बाप, बर्फ़ फेंक के मार, मेरी गाड़ी के ऊपर ना आ जाए भाई, अरे अरे गाड़ी के ऊपर कितना सारा बर्फ़ गिरा है, देखा कैसी बारिश गिरी, खतरनाक वाली है ना, तो वो है इसलिए सारी गाड़ियाँ गंदी है। मेरे तो थार में आगे वाला जो बोनेट था ना, वहाँ पे दो जगह पे पूरा ऐसे जोर से पत्थर गिरा ना बर्फ़ वाला, तो डेंट पूरा निकल गया है, कलर निकल गया है। मैंने बोला बाप रे बाप ये क्या हो गया, पहले पता चलता कि बारिश वाली पत्थरों वाली बारिश होने वाली है, बर्फ़ के ओले वाली, तो बेसमेंट पे रख के आता, पर ठीक है क्या कर सकते, वो तो सडनली गिरा तो किसी को क्या अंदाजा आ सकेगा। ये वाली गाड़ी का 5 मार्च को इंश्योरेंस रिन्यू भी है, साथ साथ में जो 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आता है ना, वो भी ख़त्म हो रहा है। ये गाड़ी को 3 साल हो गए, तो थर्ड पार्टी का भी पैसा इस बार भरना पड़ेगा, फुल इंश्योरेंस प्लस थर्ड पार्टी, 0 डेप वाला। तो आज 3 तारीख तो हो गई, 2 दिन है, संडे है, कल करवा देंगे, कल ऑनलाइन ही कर रहा है, कहीं जाना है नहीं, अब तो सीधा ऑनलाइन ही हो जाता है, तो अपने पास तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये रहा पंचर वाला, अभी यहाँ पे जाओ, भाई कोई पंचर नहीं है, अच्छा है, चलो पंचर नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, 30 रुपये लगे, लेबर तो लगता है ना, और मैंने साथ साथ में सारे टायर में हवा का प्रेशर भी चेक करा दिया। चलो अभी इसको घर पे छोड़ देते हैं, कितनी गंदी पड़ी है। ये गाड़ी में सर्विसिंग भी करानी है भाई, सर्विसिंग करानी है, प्लस इसका बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो बैक कैमरा का भी करवाना है, तो सर्विस में देंगे साथ साथ में वो भी करवा देंगे। जुकाम हो गया है भाई, तबीयत खराब हो रही है, गर्मी ठंडी सब मिक्सम मिक्सी हो रही है, अब घर जाके नहाएंगे, नहा के फिर निकलते हैं। चलो भाई, हेलो भाई, हो गए तैयार, हम निकल रहे हैं अभी, एक्चुअली अभी एक काम है छोटा सा, अपना जो नया फ्लैट बन रहा है तो वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर आ रहा है, तो उससे थोड़ी मीटिंग है, तो अभी उसको मिलते हैं, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। सबसे पहले गाड़ी में बैठ के आपको आने वाली मेरी ट्रिप, 2 ट्रिप प्लान की है, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। सो, अपनी 2 ट्रिप फाइनल होने वाली है, एक तो डेट आपको बता दूँ 16-17 और शायद 18 भी, वो तो फिर प्लेस जब डिसाइड होगा उसके बाद होगा, उसके बाद है 23, 24 और 25, ये 3 दिन का तो फाइनल है। वहाँ पे हम
जा रहे हैं एमपी 23 के जो ट्रिप है ना उसमें हम जा रहे हैं एमपी, और उसके बाद जो उससे पहले जो 16-17 तारीख वाला जो होगा ना उसका एक दो प्लेस ध्यान में है, देखते हैं अभी किस तरह से क्या होता है। अभी तो उसको भी 12-15 दिन बाकी है, क्योंकि क्या है कि एक बार अभी जैसे मैंने बोला कि नए घर का इंटीरियर का काम स्टार्ट होगा फर्नीचर का, तो उसके बाद तो फिर शायद ही कहीं ट्रिप करने का प्लान बने, तो छोड़ेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से 2-3 दिन। पर क्या है कि कुछ कह नहीं सकते हैं ना, ज़्यादा काम आ गया या कुछ भी है, तो ये सोच रहे हैं। बाकी तो अभी पहले ये वाला मीटिंग ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आप आगे ऑफिस पे जाएंगे। ये जी आ गए फ्लैट पे, अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन डन है, बस अभी ऊपर जाके थोड़ा देख लेते हैं, इंटीरियर डिजाइन आ ही रहा होगा। चलो भाई, यहाँ पे बहुत टाइम हो गया इंटीरियर के साथ, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा जितना हो गया। अब 3 बजे है, घर जाएंगे, पहले ऑफिस पे काम ख़त्म करके फिर घर जाएंगे शाम को आराम से, और फिर देखते हैं रात को कहीं कपड़ी लतार वटार मारने निकलेंगे तो निकलेंगे, मिलते हैं शाम। लो जी भाई, फाइनली घर पहुंच गए, और हाँ गैलरी में खड़ा भाई। आज का दिन नहीं मत पूछो, रिकॉर्डिंग तो किया नहीं पर बहुत थका देने वाला था। एक दिन होता है ना कि आपको थका देने, खड़े खड़े इंटीरियर डिजाइनर के साथ थे घर पे, 2 जन से मिले, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा एक के साथ, मतलब 2-2.5 घंटे तो वहीं पे चले गए। फिर उसके बाद ऑफिस के गए, ऑफिस में काम कर दिया ख़त्म, और अभी वापस घर पे आया। और मैंने जैसे आपको बीच में बताया कि प्लान कर रहे हैं ये मंथ में 2 रोड ट्रिप की, तो सबसे पहले रोड ट्रिप हमारी जो होने वाली है, या मैंने सोचा है, पर अभी भाई लोग को बताना बाकी है, अगर उनको बताऊंगा तो हो सकता है प्लेस भी चेंज हो जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और मेरे ब्लॉग में और मेरी रोड ट्रिप में, खास करके रोड ट्रिप में कोई चीज़ें फाइनल नहीं होती है, निकले कहीं और पहुँचते कहीं और जाना कहीं और होता है। तो मैं सोच रहा हूँ रोड टू हेवन 16-17-18 डेट ये सेपरेट रखी है, उसके बाद एमपी जाएंगे जो है 23-24-25, ये इसमें से कई है। तो ये जो एमपी वाली ट्रिप है ना वो तो 110% फाइनल ही है, उसमें तो 99% कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बाकी तो रब जाने। तो अभी ये चीज़ है, तो इस तरह से प्लान किया है मैंने। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात, इस बार दोनों ट्रिप में थार ही जाएगी, हैं अब कोई ऑप्शन है नहीं, एसयूवी का एक थार ही है और दूसरी अपनी मर्सिडीज़ है, तो वो रोड टू हेवन वो लेके जाएंगे, तो 2 गाड़ी जाएंगे, और बहुत सारे चीज़ें सोची है रोड टू हेवन। बाकी देखते एक बार कल परसों मिलेंगे सबसे, और राजा भाई, शुभम भाई, मुर्तुजा भाई सबसे मिलेंगे और पूछेंगे भाई किस तरह से प्लान करना है और कौन कौन आएगा हमारे सिवा, तो ये चीज़ है। बाकी तो आज अभी घर पे आए, संडे का दिन है, मस्त खाना, अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया, सुबह अभी खाना खाएंगे मस्त और आराम से बैठ जाएंगे, टीवी देखेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि संडे का दिन होता है और ऊपर से आप इतना सारा काम करके आओ ना तो दूसरा कुछ काम करने की इच्छा होती नहीं है। तो ठीक है, अभी बैठ जाएंगे आराम से और मस्त चिल करेंगे, टीवी देखेंगे, बहुत सारी सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज़ लाइनअप में, अभी तो आई है वो सनफ्लावर 2, बहुत मस्त है सनफ्लावर, एक एपिसोड देखा है मैंने कल, बाकी के एपिसोड आज 2-3 एपिसोड देखता हूँ। तो ठीक है, संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है, बाकी तो रात को घर पे आते हैं और एडिटिंग करना होता है, क्योंकि दूसरे दिन वीडियो भी डालना होता है, तो थोड़ा एडिटिंग में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाता है, फिर रेंडर करने डालो, फिर अपलोड में डालो, तो वो ज़्यादा टाइम चला जाता है, और पूरे दिन का सब हिसाब किताब भी करना होता है काम का, तो टाइम मिलता है नहीं टीवी देखने का, और पूरे दिन आप काम करते हो तो मैक्सिमम रात के 11 बजे आपको नींद आ ही जाएगी, तो मैं 10:30 बजे खाना खाता हूँ और फिर 11 बजे तो
ऐसी नींद आने लगती है ना कि भाई कोई बोल देवे कि भाई अभी काम है इमरजेंसी आ जाओ, ना भाई ना मेरे से ना हो पावे, मैं तो सोऊंगा। तो ऐसा है, आज तो आराम से संडे है, अभी थोड़ा खाना खाएंगे फिर चिल करेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं अभी कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में सबको इकट्ठा करके बोलूंगा कि भाई रोड ट्रिप का क्या करना है, चलना है कि नहीं चलना है ना। चलो सायनारा।